क्या करें अब। हेलो फ्रेंड, तो अभी अभी मिली सूचना के अनुसार दो जगह तैयार नहीं किया गया है, उसमें कंप्यूटर में एंट्री का कार्य चल रहा है। सॉरी, तो अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जा कर के देख लें। तो फ्रेंड, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास सासाराम से है आवश्यक सूचना। निदेशक माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक 234 दिनांक 26/4/2018 के द्वारा अतिथि शिक्षकों की चयन संबंधी मेधा सूची का प्रकाशन दिनांक 9 जून 2018 को निर्धारित की गई थी। आवेदकों से प्राप्त आवेदन का विषय एवं योग्यता अनुसार समेकन एवं कंप्यूटर में एंट्री का कार्य किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त आदेशानुसार मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। लगभग 2 सप्ताह के बाद ही कार्यालय से संपर्क किया जाए, पेज की तरफ चला जाए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सूचना दरभंगा से जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है, अतिथि शिक्षकों के नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति के उपरांत पूर्व से मेधा सूची प्रकाशन हेतु दिनांक 9/6/18 निर्धारित है, परंतु आवेदन पत्र स्क्रूटनी एवं छटनी में कार्य की अधिकता को देखते हुए आज दिनांक 9/6/2018 को मेधा सूची प्रकाशन नहीं किया जाएगा। विभाग द्वारा मेधा सूची प्रकाशन की अगली तिथि निर्धारित होने पर मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अतिथि शिक्षक के मेधा सूची का प्रसारण NIC गोपालगंज के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, जिसको आप दिनांक 10/6/2018 से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड प्लीज 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 टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। मेधा सूची, तो तब तक के लिए गुड बाय, सी यू। ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। डू सब्सक्राइब।